चैनल पे सस्ती मस्ती मिसिंग थी क्योंकि लास्ट लैपटॉप मैंने अपना लेनोवो वाला रिव्यू करा था जिसमें 3050 ग्राफिक कार्ड था। कमेंट्स में पढ़ रहा था, सारी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, तो मुझे MSI ब्रावो के बारे में पता चला जो कि 55K में अवेलेबल है Amazon Flipkart पे। तुम कुछ पूछो मैं बताऊं नहीं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो हम बात कर रहे हैं MSI ब्रावो 5800H के बारे में जिसमें आपको RX 650M ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाता है। वैसे अगर बात करो ना 55 के बजट में तो आपको RTX 2050, RTX 1650, RTX 550M ये ग्राफिक कार्ड मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज और बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं देखते। मैंने यूज करके देख लिया है, इनमें अप टू फुल HD एडिटिंग आराम से कर पाओगे, गेम भी आपके आराम से खिला देंगे। बट 55 में ये जो डील है ना, ये बेस्ट डील है, ब्लाइंडली आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। एक कंपैरिजन मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये 3050 से बेटर है। 3050 से बेटर नहीं है, 3050 तकरीबन 15-20% इससे बेटर होगा परफॉर्मेंस में। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो कि गेमिंग में आपको तगड़ी मदद करेगा, मतलब आराम से आप यूज कर सकते। 45% की NTSC आपको देखने को मिल जाती है, तो NTSC से एक ले ली है, बहुत ज्यादा कलर एक्यूरेशन वाले टास्क आप इससे नहीं कर सकते क्योंकि जनरली उनमें 70% की NTSC रेशियो चाहिए होता है। AMD Ryzen 7 5800H प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है, अप टू 4.4 GHz फ्रिक्वेंसी है और Radeon 650M ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि 4GB DDR6 ग्राफिक कार्ड है। और ट्रस्ट मी, इस बजट में जो ये ऑफर देता है ना वो अमेजिंग है। अभी ये वैसे मैं बता चुका हूँ 2050, 1650 और 550M से तो मच बेटर है और 4K एडिटिंग भी आपकी करा देगा। बट जब अपने लैपटॉप को आप 2-3 घंटे तक आप कंटीन्यूअस एडिटिंग करने लगोगे ना तो आपको लैग देखने को मिलेंगे। सिमिलर टाइप के लैग हमने बाकी प्रोसेसर में भी देखे हैं, जब मैं यूज करता था 5600G उसमें भी मैंने देखे हैं, तो वो लैग आपको देखने को मिलेगा। अगर 3050 से कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है 3050 में मेरे लेनोवो में कम लैग्स आते हैं इसके कंपैरिजन में। जो NVIDIA के ग्राफिक कार्ड यूनिट्स होती हैं वो ज्यादा परफॉर्म करती हैं रेंडरिंग में या वीडियो एडिटिंग में, तो अगर आपके पास ऑप्शन हो ना तो उनको डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो उन टास्क के लिए। मैं जिस वेरिएंट के बारे में बता रहा हूँ जिसमें 16GB है, अगर आप 8GB वाला भी कंसीडर करना चाहते हो ना तो 3,000-4,000 रुपए आपके बच जाएंगे और आप एडिशनल 8GB की रैम उसमें इंक्लूड कर सकते हो, तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। 64GB तक अपग्रेड कर पाओगे, 512GB NVMe SSD है जिसमें 2 स्लॉट आपको देखने को मिल जाते हैं और टिपिकली 1 TB तक आप स्टोरेज बढ़ा पाओगे। इसमें बैटरी कैपेसिटी तो काफी अच्छी है ऑन द पेपर, जब आप गेमिंग वगैरह करोगे ना तो रियल लाइफ में आपको जो बैटरी बैकअप मिलेगा वो बहुत ज्यादा पैथेटिक है। 1.5-2 आवर का बैटरी बैकअप है जो कि गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से ठीक ठीक है और नॉर्मल यूजेस में 3-3.5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। बैकअप मुझे लगता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, जैसे Acer Nitro वगैरह से कंपेयर करोगे ना तो इसका बैकअप काफी कम है। 2W के स्टीरियो स्पीकर आपको मिल जाते हैं, Hisense ऑडियो है, 3D सराउंड एक्सपीरियंस आपको मिलता है, बैकलिट कीबोर्ड है और 720p HD कैमरा आपको मिल जाता है। अभी नंपैड इसका छोटा है, आप बाकी लैपटॉप से क्लियरली देख पाओगे इवन फोटो में भी। रेड कलर की लाइटनिंग है बैकलिट में और ट्रैकपैड भी बाकी लैपटॉप के कंपैरिजन में छोटा है, ऑल्दो इसका वेट कम नहीं है, 2.2 केजी के आसपास है। वाईफाई 6E मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट है। अभी 55,000-58,000 के बजट में जितने भी लैपटॉप देखे हैं मैंने वाईफाई 6E नहीं देखा, अगर आपको लगता है आपने कोई लैपटॉप देखा है प्लीज कमेंट। विंडोज 11 मिल जाती है, MS ऑफिस नहीं मिलता है, ये बड़ा प्रेडिक्टेबल था क्योंकि इस बजट में इतनी सारी चीजें मिल जा रही हैं, MS ऑफिस नहीं देखे, कॉस्ट कटिंग तो कहीं ना कहीं करेंगे। पोर्ट के लिए एक टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाता है Gen 1, 2 Type-A पोर्ट मिल जाते हैं Gen 1, 1 Type-A पोर्ट USB 2.0 है, 1 HDMI पोर्ट है, 1 माइक इनपुट एंड हेडफोन जैक पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है और 1 RJ45 मिल जाता है। बाकी पोर्ट्स नहीं मिलते इस बजट में, और भी लैपटॉप नहीं देते तो इन्होंने भी नहीं दिया। 1 साल की वारंटी है, 4.4 स्टार रेटेड है, 344 से ज्यादा रेटिंग्स है। अभी ये 56,990 में लिस्टेड है 16GB वाला वेरिएंट और 8GB वाला वेरिएंट है 53,990 रुपीज, जो कि मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी है। इस बजट में आप ब्लाइंडली कोई भी लैपटॉप देख लो बट मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको किसी लैपटॉप में देखने को मिलेगा। ऑल्दो अगर 2-3 हजार रुपए आप बढ़ा सकते हो तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि RTX 3050 वाला ग्राफिक कार्ड कंसीडर कर सकते हो, बट अगर यही आपका बजट है तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट डील है, डेफिनेटली आप कंसीडर कर लो। ऑल्दो इसमें प्रॉब्लम्स है, जैसे बैटरी बैकअप में आपको प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, डिस्प्ले इसकी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस इसमें बहुत अच्छा है, ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, बट जो मुझे लगता है एक जो पोर्शन है ना नमपैड और ट्रैकपैड वाला और बैटरी वाला ये दोनों कंसर्न हो सकते हैं थोड़े से, अदरवाइज ये लैपटॉप बेस्ट है।